नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। ये हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ बच्चे लोगों के लिए नाश्ता। खाना तो मेरा बन चुका है। आप सोचेंगे कि खाना के बाद नाश्ता कौन करता है, तो खाना अभी कोई खाया नहीं है। बच्चे लोगों की छुट्टी है ना, इसके वजह से ये लोग लेट उठे हैं और खाना पीना मैंने सब कुछ बना लिया है, क्योंकि हस्बैंड नाश्ता करते नहीं हैं। सिर्फ वो खाना खाते हैं तो उनको टाइम से खाना चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने सारा खाना बना लिया। अभी बच्चे लोग उठे हैं, ब्रश वगैरह करके नहा धो लिया, तुम के चलो नाश्ता भी बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चीला। नाश्ते में कुछ सूझ नहीं रहा था, तुम के चलो चीला ही बना देती हूँ। वैसे भी टिफिन में तो डेली कुछ ना कुछ बदल बदल के टिफिन में देते ही हैं उनको, तो आज कुछ हल्का फुल्का सही नाश्ता बना लेती हूँ। और टिफिन में तो ये सब चीज़ें दे भी नहीं सकती, क्योंकि ठंडा हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, तो बच्चे खाएंगे भी नहीं, तो इसलिए कुछ अच्छा ही देना पड़ता है लंच में। तो आज ऐसे ही हल्का सा नाश्ता बना ले रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बेसन का चीला, और मेरे बाबू को भी पसंद है, परी को भी, मतलब मेरे दोनों बच्चों को और मुझे दोनों सबको बहुत अच्छा लगता है खाना। तो मैंने चाय एक तरफ रख दिया, चाय भी बन गया और अभी बना लेती हूँ चीला। तो आप सब कैसे बनाते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसे ही सिंपल सा बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया था उसमें बेसन, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, कटा हुआ प्याज, टमाटर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन। इतना सब कुछ डालने के बाद मैं इसको एकदम पतला सा घोल बना के, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा ही रहता है, फिर तवे पे तेल डाल के फैला के और अच्छे से बना लेती हूँ उलट पलट के। और मैं हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सरसों के तेल में। मैं रिफाइंड में खाना पसंद नहीं करती हूँ और ना ही बच्चों को देती हूँ रिफाइंड में। तो वैसे ही मेरे घर में ना अभी पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है इसका यूज। पहले तो मैं खूब सारी पूरी वगैरह सब कुछ तल देती थी और नाश्ता भी उसी में बनता था, सैंडविच वगैरह और चीला सब कुछ बनता था रिफाइंड में, लेकिन अभी बहुत कम कर दी हूँ। तो देखिए बात करते करते मैंने चीला भी बना लिया और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आज बहुत दिनों के बाद मैं बच्चे लोगों के लिए भी चाय बनाई हूँ, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है और चीला के साथ ना चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, इन लोगों को भी थोड़ा सा आधा आधा कप दे दूँगी और अपने भी पी लूँगी। तो एक चीला तो मैंने बना लिया, तो दे दिया है बाबू को, अभी परी को दूँगी, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो हम तीनों लोग ऐसे साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं और हस्बैंड अपना नहा धो के सिर्फ खाना खा लेते हैं सीधे। और फ्रेंड, आप लोगों को नाश्ते में बेसन का चीला खाना कैसा लगता है? या फिर आपके बच्चे लोगों को पसंद आता है कि नहीं आप बनाते हो नाश्ते में? तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, मैं बना भी देती हूँ आए दिन, छुट्टी में तो यही बन जाता है अक्सर करके, जल्दी से हो भी जाता है और बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। नाश्ता बनाने के पहले ही ना सारे कपड़ों को मैंने हाथ से धो लिया था और मशीन में लगा दिया था ड्रायर होने के लिए, फिर गई हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने। तुम कहीं चलो अपना ड्रायर भी होता रहेगा एक तरफ और एक तरफ मैं नाश्ता भी बना लूँगी। तो अभी नाश्ता वाश्ता हो गया, फिर उसके बाद मैं आ गई, कपड़े सब निकाल के जा रही हूँ, फैला देती हूँ, अपना सूखता रहेगा। जब से बारिश का मौसम शुरू है ना, तब से मैं कपड़े सारे ड्रायर करके फैलाती हूँ। अगर ड्रायर करके ना फैलाओ ना, तो शाम होते होते सूखता नहीं है सही से, तो स्मेल करने लगता है, बहुत थोड़ी सी बदबू आती है ना बारिश के मौसम में, तो इसीलिए मैं ड्रायर कर देती हूँ कि अच्छे से कम धूप नहीं रहेगा तो हवा में ही सूख जाएगा, लेकिन सूख जाता है शाम तक। और थोड़ा बहुत नम रहता है तो कमरे में मैं रस्सी बांध रखी हूँ, उसी में फैला देती हूँ, रात भर सूखता है फैन के नीचे, फिर सुबह तह लगाती हूँ। बच्चे लोग तो नहा वहा लिए हैं, हस्बैंड भी नहा लिए हैं, उनका खाना पीना भी हो गया, वो कर रहे हैं आराम, और मेरा ही काम अभी तक नहीं हुआ है। मुझे अभी झाड़ू लगाना है, पोछा करना है। हम कहे चलो झाड़ू पोछा करने के पहले फ्रिज साफ कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे फ्रिज साफ किए हुए। एक सप्ताह में एक बार तो मैं कपड़ा मारी देती हूँ फ्रिज में, डेली तो नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों बच्चों को स्कूल भेजना, ले आना, उनका टिफिन बनाना, हस्बैंड का टिफिन बनाना, झाड़ू पोछा, बहुत सारे काम होते हैं, छोटे मोटे काम तो दिन भर ही रहता है, तो रोज रोज नहीं हो पाता है कि रोज खाली करो, रोज फ्रिज साफ करो, इतना संभव नहीं है दो बच्चों के साथ। तो इसलिए एक सप्ताह में एक बार जब मुझे टाइम मिलता है या बच्चे लोगों की छुट्टी रहती है, तो आराम से अपना थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, घर का साफ सफाई करती हूँ, ड्रेसिंग वगैरह भी साफ कर लेती हूँ, तो ऐसे ही अपना मैनेज करती हूँ छुट्टी वाले दिन। और उन लोगों का नाश्ता वाश्ता हो गया तो अपना खेल कूद रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, और हस्बैंड अपना सोए हुए हैं, तो मैं आराम से अपना काम करती हूँ, कोई जल्दी नहीं रहता है। नहीं तो फिर स्कूल वाले दिन क्या होता है ना कि सुबह उठो 4:30 बजे, नाश्ता बनाओ, तैयार करो, और स्कूल भेजने वाला काम रहता है सुबह सुबह ही, फिर उसके बाद मैं खाना में लग जाती हूँ, क्योंकि 8:30 बजे तक हस्बैंड को भी खाना खा के टिफ़िन लेके उनको निकलना रहता है, तो भाग भाग के सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि 8:30 बजने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। जब वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए
तब मैं थोड़ा सा चैन की सांस लेती हूँ, फिर अपने घर के कामों में लग जाती हूँ, जैसे साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, इन सब चीज़ों को मैं बाद में करती हूँ, हस्बैंड के जाने के बाद ही उनका भी टिफ़िन वगैरह पैक करती हूँ, फिर वो निकल जाते हैं तब ये सब सारा काम करती हूँ। मैं ज़्यादातर ना संडे वाले दिन ही फ्रिज साफ़ करती हूँ, क्योंकि संडे को मेरा फ्रिज एकदम खाली रहता है। संडे को जैसे शाम को आज सब्जी आएगा तो पूरा फ्रिज भर जाएगा, संडे आते आते पूरा खाली हो जाता है। तो आज है संडे, तो संडे वाले दिन देखिए पूरा फ्रिज खाली हुआ है, ज़्यादा सब्जी नहीं, एक दो सब्जी रहता है और थोड़ा बहुत ना उसमें सूखा सामान रखती हूँ, तो डब्बे में रखी हूँ, उसको खाली करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फ्रूट थोड़ा बहुत रहता है, बस इतना ही सब कुछ रहता है, तो साफ़ करने में आसानी हो जाता है संडे वाले दिन। अब मैं आ गई झाड़ू लगाने, अभी मुझे करना है पोछा, तो हम कहे चलो झाड़ू लगा लेते हो, फिर उसके बाद पोछा करूंगी, सिर्फ मेरा नहाना ही बाकी रहेगा, तो नहा धो लूंगी ना, तो बच्चे लोगों को खाना दूंगी या फिर दूध पीना होगा तो दूध दे दूंगी उन लोगों को। और ज्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है ना कि मैं बच्चे लोगों को सुबह में ही दूध दे दूं, क्योंकि दोपहर में दूध नहीं देना चाहिए, बड़े लोग हों चाहे बच्चे हों, किसी को भी दोपहर में दूध नहीं पीना चाहिए, सुबह को पीना चाहिए रात में, तो इसलिए मैं जल्दी कोशिश करती हूँ कि सुबह में ही दे दूँ। नाश्ता तो कर लिए हैं लोग, और टाइम हो रहा होगा मेरे समझ से 10 बजे और 10:30 बजे के बीच का, क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो मैं भी लेट ही उठी हूँ, लेट उठती हूँ तो सारा काम लेट होता है, और जिस दिन स्कूल खुला रहता है उस दिन तो मैं 10 बजे तक फ्री भी हो जाती हूँ सारा काम निपटा करके। तो हर रोज़ का देखा जाए तो रूटीन अलग होता है, एक जैसे रूटीन तो कभी होता ही नहीं है घर का, कभी कुछ काम करते हैं, कभी कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, तो रूटीन एक जैसे कभी नहीं होता है। हम हाउस वाइफ का जब जैसा काम देखते हैं वैसा कर लेते हैं फटाफट से, तो सारे कमरों का मेरा झाड़ू लग चुका है, बस ये बीच वाले कमरे का झाड़ू लगाऊंगी और किचन का, फिर उसके बाद लगा लूँगी पोछा। हस्बैंड सामने वो फोल्डिंग थोड़ी थोड़ी दिख रही है ना, इसी पे सोए हुए हैं अपना फ़ैन चला के। मैं जब सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ ना, तो आधे घंटे के लिए बापू को पढ़ा देती हूँ या फिर अपने वीडियो का काम करती हूँ, और हस्बैंड क्या करते हैं सो के उठते हैं तब परी को पढ़ाते हैं। परी को मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ, उसका सिलेबस टफ है तो मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ उसको। आजकल के बच्चों का सारा सब्जेक्ट देखा जाए तो सब कुछ इंग्लिश में रहता है, पर हम सब सब्जेक्ट हिंदी में पढ़े हैं ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है पढ़ाना इनको, तो इसलिए हस्बैंड पढ़ाते हैं क्योंकि वो पढ़े हैं CBSE बोर्ड से। तो देखने में तो घर कितना साफ़ सुथरा लगता है, लेकिन जब झाड़ू लगाओ ना तब पता चलता है कितना कचरा रहता है घर में। और वैसे भी बाबू की मेरी जिस दिन छुट्टी रहती है ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही कचरा कर देता है घर में, इतना पेपर कटिंग कर करके जहाज़ बनाएगा, फूल पत्ती बनाता है, कुछ कुछ करता रहता है, पेज फाड़ फाड़ के ना, तो और ज़्यादा पूरा कचरा कचरा घर में दिखने लगता है। तो 2 बार झाड़ू लगाना पड़ता है जिस दिन इन लोगों की छुट्टी रहती है। आने वाने के बाद ना मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई दोपहर में, तो इसलिए मैं मिल रही हूँ शाम को, तो परी कुछ खा रही है सॉस के साथ, और अभी मक्का बनूंगी तो बच्चे लोगों को भी दे दूंगी, थोड़ा सा मैं खुद भी खा लूंगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बारिश के मौसम में मक्का खाना। और चना मैं साफ कर रही हूँ, साफ करके भिगोंगी कल के सब्जी के लिए, कल कुछ बना लूंगी इसका, मैं सोच रही हूँ कि न्यूट्रेला आलू की सब्जी बना लूंगी, और बारिश के मौसम में ज़्यादा कुछ सब्जी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आलू न्यूट्रेला वाली भी सब्जी आए दिन मैं बना ही लेती हूँ, 1 सप्ताह में 1 बार तो बना ही देती हूँ। बारिश के मौसम में वैसे भी न्यूट्रेला वाली सब्जी तो अच्छी लगती ही है, मैं सिर्फ बारिश के मौसम में ही बनाती हूँ न्यूट्रेला की सब्जी, और फिर किसी भी मौसम में नहीं बनाती हूँ, मुझे इसी मौसम में अच्छा लगता है खाना। और अभी मैं बना लेती हूँ अपने लिए 1 कप चाय, शाम का टाइम हो रहा है, मैं 1 कप चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद ड्रेस देखूँगी चेंज करके, फिर जाऊँगी पार्क में बच्चे लोगों को लेके, 1 घंटा पार्क में बैठती हूँ, कभी कभार जाती हूँ, डेली नहीं जाती हूँ, टाइम अगर मिलता है तो चले जाती हूँ, टाइम नहीं रहता है तो नहीं जाती हूँ। तो अगर मौसम के ऊपर भी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना तो नहीं जाती हूँ, और मौसम अगर अच्छा रहता है तो चली जाती हूँ, टाइम मैं पार्क में जाऊँ या ना जाऊँ बच्चे लोगों को तो डेली ही भेज देती हूँ, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, बच्चे लोग अपने फ्रेंड लोग के साथ खेल लेते हैं, झूला झूल लेते हैं, और बाकी दिन तो दिन भर दोपहर हो जाता है उनको स्कूल से आने में ही, फिर उसके बाद आते ही सो जाते हैं खा पी के, फिर शाम को उठते हैं तो थोड़ी देर खेल कूद के आते हैं, तो अपना शाम को पढ़ाई करते हैं। तो परी बोल रही है मम्मा मक्का जल्दी भूनो, मुझे लेट हो रहा है पार्क में जाने के लिए, तो वही आई थी बोलने, हम कहे चलो भून देती हूँ और अपने चाय भी पी लेती हूँ। तो अभी हस्बैंड भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, उनका भी आने का टाइम हो रहा है, तो जब वो आ जाएंगे ऑफिस से ना तभी उनको मक्का में भून के देती हूँ, नहीं
तो फिर ठंडा हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि गर्म गर्म ही अच्छा लगता है, नींबू और नमक लगा के खाओ तो अच्छा लगता है, ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुरंत बना के तुरंत ही उनको देती हूँ। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।